सर डीसीए क्या चीज है? देखिए डीसीए का आप अगर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर अगर आपकी फर्स्ट जर्नी शुरू होती है तो आपकी डीसीए कोर्स से होती है। डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए कोर्स से अलग और भी कौन से कोर्स? और कोर्सेज में आपका ऑलमोस्ट जो रहता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का रहता है, जिसको हम डीटीपी बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जिसमें आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब चीजें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी, एचबी न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज है हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ, जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो रूबरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की दुनिया में आपको मैं आज लेके जाने वाला हूं, जो कि डिजिटल माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और आगे डिजिटल वर्ल्ड से दुनिया जुड़ती जा रही है और उसी डिजिटल वर्ल्ड में आज हम आपको जोड़ने वाले हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड के कंप्यूटर से जुड़े हुए हमारे गुरु हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबी न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद आपका, और आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले सवाल और जवाब शुरू करने से पहले सर का परिचय जानना चाहेंगे। सर हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं, एक बार जरूर बताइए। हेलो, मेरा नाम है कृष्णा वासने और मैं अलीगढ़ के अंदर कंप्यूटर सेंटर रन करता हूँ। नॉर्मली अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, या आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करेंगे अलीगढ़ कंप्यूटर सेंटर, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर सेंटर है वो आपके सामने मेरा ही आएगा, कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मैं 1 सितंबर 2007 से अपने कंप्यूटर सेंटर रन कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट अगर आप बात करें अभी तक के रिकॉर्ड में तो समथिंग 12 से 15 हज़ार स्टूडेंट को मैं अपने पास एजुकेशन प्रोवाइड करवा चुका हूं, और समथिंग अगर प्लेसमेंट की बात भी करेंगे तो समथिंग 7 से 8 हज़ार बच्चों को मैं अपने पास प्लेसमेंट दिला चुका हूं। 100% प्लेसमेंट का हम कोई रेस्पॉन्स नहीं लेते, लेकिन बच्चे के अंदर अगर क्वालिटी है, बच्चे की परफॉर्मेंस बेटर है, तो हम 100% ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को प्लेसमेंट मिले, जिस कारण से बच्चा सीखना चाह रहा है हमारे पास कंप्यूटर, वो पैसे कमाना चाहता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, सेव करना चाहता है, अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग बेटर से बेटर कंप्यूटर एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीख सके। नॉर्मली हमारे पास जो कंप्यूटर कोर्स रहते हैं, जैसे डीसीए हो गया, डीटीपी हो गया, टैली हो गया, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, एंड आजकल ऑलमोस्ट जो चल रहा है वो CCC का चल रहा है, तो वो सारी हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। और कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, लेकिन बच्चा अगर लापरवाही करेगा तो हम उसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप एक बार के लिए आइए, आप आना भी ना चाहें तो ऑलमोस्ट आप अगर अलीगढ़ में भी सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल का रिव्यू देख सकते हैं कि आपको रिव्यू काफ़ी मिल जाएगा, जैसे आप अलीगढ़ का कंप्यूटर सेंटर सर्च करेंगे या कृष्णा कंप्यूटर सर्च करते हैं। जी कृष्णा जी, बाकी तो हम सवालों पे जवाबों पे चर्चा करेंगे ही, और ये तो आपका परिचय रहा, हमारे दर्शकों ने भी सुना, और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, आप हमारे नीचे पट्टी भी देख सकते हैं जिसमें सर का पूरा नाम एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। ये सर से रिलेटेड आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, जो कि हम पूछना भी चाह रहे हैं और आप भी पूछ सकते हैं, तो सीधा नीचे लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सीधा पूछ सकते हैं। तो हमारा सबसे सर से पहला सवाल है, सर डीसीए क्या चीज़ है? देखिए डीसीए का आप अगर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर अगर आपकी फर्स्ट जर्नी शुरू होती है तो आपकी डीसीए कोर्स से होती है। डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जब स्टार्टिंग होती है तो ऑलमोस्ट आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, या किसी भी जगह जाएंगे आप, तो आपको कंप्यूटर रिसेप्शन पे आपको एक लड़की या लड़का काम करता हुआ मिलता है। तो ऑलमोस्ट वो जो काम करता है वो सारा का सारा काम आता है डेटा एंट्री में, जिसको कि हम डीसीए बोलते हैं, जिसके अंदर आपको लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, बिल बुक बनाना। एक्सेल की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जितनी भी टेबल्स होती हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन यूज करनी है, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो,
या आपको अपने कस्टमर के लिए बिल बनाना हो तो वो सब चीज़ें हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं। इसमें थर्ड जो आता है वो आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यानी कि आपको अगर अपनी किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर या अपनी बात को आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाना है तो उसके लिए आप पावर पॉइंट को यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक पैकेज और रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जो ऑलमोस्ट हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटर की या अपनी फैक्ट्री या कंपनी के अंदर अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड ऑलमोस्ट इंटरनेट तो आता ही है, ऑलमोस्ट आजकल सभी लोग डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं और मोबाइल वगैरह पर सभी लोग इंटरनेट जानते ही हैं। उसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म हो गया, आपका स्कॉलरशिप वगैरह का, मतलब ऑनलाइन आपका सारा सारा काम आ जाता है। तो ये सब रहता है आपका डीसीए कोर्स के अंदर। अच्छा, डीसीए कोर्स से अलग और भी कौन से कोर्स? और कोर्सेज में आपका ऑलमोस्ट जो रहता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का रहता है, जिसको हम डीटीपी बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जिसमें आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब चीज़ें आती हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा, जब से जीएसटी लागू हुई है हमारे इंडिया के अंदर, जब से जीएसटी को लेके ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम रहता है वो हमारा रहता है टैली का। टैली में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे टैली ईआरपी हो गया, प्राइम हो गया। इस समय प्राइम के अंदर 3.0 चल रहा है और ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि नई साल तक आपका टैली प्राइम के अंदर 4.0 भी लॉन्च हो जाएगा, जो आपके जीएसटी यानी अकाउंटिंग के काम को करने में बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है। तो ये मोस्टली रहता है हमारे का। तो सर, आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो सर, कंप्यूटर का सबसे पहले जो बनाने वाले थे, क्या नाम था सर उनका? कंप्यूटर के, देखिए, बनाने के लिए तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी किताबों में है, लेकिन जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं उनको हम चार्ल्स बेबेज कहते हैं, जिन्होंने को कंप्यूटर का जनक माना गया अभी तक के रिकॉर्ड में। हालांकि मेरे बच्चों की किताब में एक नया नाम भी आया था, वो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। इसके ऊपर मैंने कॉलेज में, उनके में जाके स्कूल में भी डिस्कस किया था, मैंने, मैडम ये नाम कैसे आ गया? तो वो उसको क्लियरिटी तो नहीं दे पाए उस नाम के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा सर हमारी किताब में ये छपके आया, जबकि हम लोग जो जानते हैं वो चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, जो कंप्यूटर के जनक अभी माने जाते हैं जी। तो क्या लगता है आने वाले समय में डिजिटल मीडिया का प्रभाव रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? सर देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट है और जिसने हाई स्कूल या इंटर कर लिया है जी, तो उसके बाद आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी आप कर लीजिए, आपके ऊपर एक दाग लगा रहेगा फ्रेशर का। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या आप कंप्यूटर करते हैं या आप कोई भी डिप्लोमा करते हैं, तो आपके सामने कम से कम, ज्यादा ना सही तो एक लाइन क्लियर है कि आप इस काम को करने में सक्षम हैं। बाकी आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर लीजिए, आप फ्रेश ही रहेंगे, आप कोई जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका अनुभव नहीं होगा। और नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर से फील्ड से जोड़ के चलते हैं तो ये बात आप जानते हैं, चाहे आप स्टडी करिए, चाहे आप जॉब करिए या आप किसी भी कंपनी में जाइए, ऑलमोस्ट कंप्यूटर से तो आपको अपनी जिंदगी ही काटनी है, क्योंकि आज का दौर सर जी डिजिटल मार्केट का है और डिजिटल मार्केट में बहुत सारा स्कोप है। चाहे आप ऑनलाइन स्टडी करवाइए, चाहे आप यूट्यूब पे वर्क करिए, या आप आजकल एफिलिएटेड मार्केट का बहुत स्कोप चल रहा है, शेयर बाजार का चल रहा है, तो बहुत सब चीज़ें आपको बगैर कंप्यूटर सीखे तो आप नहीं कर सकते जी। तो कहने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में इसमें स्टूडेंट अपना कैरियर ढूंढ सकता है? बिल्कुल सर, नॉर्मली अगर बंदे को स्टार्टिंग से भी अगर शुरुआत करें तो 15,000 से 20,000 रुपए की जॉब तो उसकी पक्की है ये, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके रिज्यूम में लाइन बढ़ती है, उसका स्कोप और उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ऑलमोस्ट आज के दौर में तो 40,000-50,000 रुपए नॉर्मल मायने हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट आज के टाइम में मुझसे कहते हैं सर आप क्या इंस्टीट्यूट चलाते हो, आप हमारे संग आ जाओ, हम आपको 60-70,000 का पैकेज दे देंगे। क्या बात, कभी छोड़ के जाने का मूड बनाया है? भाई छोड़ के तो मैं जब चला जाऊँ ना, कि बीच भंवर में हूँ भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली 100-150 स्टूडेंट हर समय काम करते हैं, अब उनका फ्यूचर तो मैं नहीं डबा सकता ना एक संग झटके से जी, तो ये एक मेन चीज़ है। बाकी स्कोप तो मैं अगर स्टूडेंट भी ना सही तो ऑनलाइन बहुत है काम कि जिससे हम बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं जी। कोविड-19 का समय आया कृष्णा जी, हमने बहुत ऐसा स्थिति देखी, लोगों का बहुत ही फ्यूचर दांव पे लगा जी जी, लोग पैसा कमाना तो दूर अपना जीवन यापन के लिए तरस गए जी। तो ऐसी स्थिति आपके साथ कैसी रही? सर कोविड का टाइम तो सर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, देखो कोविड का जो टाइम आया वो 20 मार्च 2020 में लगा था जी, और उस समय की जो एकदम जो सदमे टाइप का था कि भाई कंप्यूटर सेंटर वगैरह एजुकेशन बिल्कुल ठप कर दी इन लोगों ने, 3 महीने तक बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया भाई, 3 महीने तक किराया गया, बच्चों के फ़ोन आते सर हम कैसे करें, सब भूल जाएंगे हम, तो सर उस टाइम पीरियड को तो आप ना याद करें तो ही बेटर है, क्योंकि 3 महीने का मेरा भी किराया, इंस्टीट्यूट वगैरह काफ़ी होता है, लाइट वगैरह बिल भी होता है, लेकिन बच्चों का जो खासतौर पर नुकसान हुआ उसके बाद जब बच्चा दोबारा से 3 महीने के बाद धीरे धीरे करके रन होने लगे भाई, बच्चों का बिल्कुल निलवट्टा सन्नाटा हो गया। सारी बच्चों को दोबारा से हमने 20-25 दिन का टाइम दिया, उनको डेमो करवाया कि हाँ भाई तुम सभी लोग एक बार क्लियर फ्रेश हो जाओ कि हाँ भाई कंप्यूटर भी था जो तुमने अभी सीखा था 3 महीने पहले, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना सब आपका सन्नाटा हो जाता है, तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है। और मैं ऑलमोस्ट उन सभी पेरेंट्स से ये वाली बात भी कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप आप हमेशा दिलवाएं, ताकि बच्चा इंस्टीट्यूट में सीखने के बाद घर पे आके प्रैक्टिस जरूर करेगा, क्योंकि जब तो प्रैक्टिस नहीं करेगा सब भूल जाते हैं उस चीज़ के लिए जी। मेरा अगला सवाल है कृष्णा जी आपके साथ में,
ऐसा क्या आपके इंस्टीट्यूट में है जो औरों में औरों से अलग है, जिससे कि स्टूडेंट आपके पास आए? आए तो क्यों आए, क्यों आए? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, आपने जो बात की वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, कंप्यूटर सेंटरों के अंदर एक चीज़ देखी गई होगी आपको, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ो मत पढ़ो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, उनका काम है आपको बताना और बता के आपको हट जाना, आपका कोर्स ख़त्म हो गया। आप कभी मेरे स्टूडेंट से मिलेंगे, आपके सामने मिलेगा, तो वो मेरी सोयों बुराई करेगा, लेकिन एक बात कहेगा कि आज के टाइम में हम जो हैं वो भैया की बदौलत हैं। तो क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई, मैं आपको देखो मैसेज आपको एक ही बात का देना चाहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, देखिए दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक मैं मान लेता हूं कि एक मैं हूं और एक नॉर्मल कंपनी में काम करने वाला या एक फैक्ट्री में काम करने वाला। देखिए, मैं बैठे का खा रहा हूं और आप मेहनत करके खा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर लेंगे, पढ़ लेंगे और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेंगे, तो आप बैठे का पैसा खाएंगे, नहीं तो आप जिंदगी भर एक बेलदार की तरह एक फैक्ट्री में काम करते करते चले जाएंगे। देखिए, मैं अपनी जो इनकम है वो आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि एक नॉर्मल फैक्ट्री में 8-10-12-15 हज़ार रुपये तक की सैलरी में अपनी गृहस्थी को चलाने वाला आदमी शायद मुझसे अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा होगा। लेकिन ये है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर बन के कुर्सी पर बैठेंगे, आप चार लोगों पर हुक्म चलाएंगे, तो आपकी लाइफ अलग होगी, आपसे भैया बाबूजी सर कहेंगे। और अगर आप नॉर्मल क्लास में रह गए तो एरे छोरे और आपको चार गालियां बक्के सुनाया जाएगा। तो आप अपनी लाइफ को वहां मत लेके जाइए, अपने पेरेंट्स की स्थिति को देख के अपनी पढ़ाई के स्कोप को बढ़ाइए और अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाइए, ताकि चार लोग ये कहें कि हाँ भाई ये उसके पापा जा रहे हैं। ये मत कहिएगा कि चार लोग आपको गाली दें और ये कहें यार इनका बच्चा तो बड़ा नालायक निकला। तो बस मेरा यही है कि आप पढ़ें तो पूरा क्लियरिटी से पढ़ें, अदरवाइज आप पढ़ें ही ना, डायरेक्टली फैक्ट्री या कंपनी में काम करना शुरू कर दो, 8-10 हज़ार तो आपको मिल ही जाएंगे। तो हमारे साथ थे कृष्णा वासने जी। कृष्णा वासने जी, आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, अपनी खासियतें बताई, पढ़ाने की खासियत बताई और कैसे फ्यूचर में आप इस एजुकेशन के माध्यम से, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और डिजिटल माध्यम में अपना मलखम, अपना मजबूत, अपनी स्थिति बना सकते हैं और अपनी जॉब पा सकते हैं। इसलिए आगे जुड़े रहिए हमारे साथ और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मनीष रहिए मेरे साथ, मैं HP News से जय चौधरी, धन्यवाद।